जमशेदपुर के साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा और सरलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस शिविर में 250 से अधिक दिव्यांग जनों के कृत्रिम हाथ और पांव लगाए गए। ये तमाम संसाधन सरलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने CSR के तहत यहाँ उपलब्ध करवाया। मंत्री बन्ना गुप्ता और रुचि नरेंद्रन यहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने मंच के इस सामाजिक कार्य की जमकर सराहना की, साथ ही कहा कि इस मानव सेवा के कार्य से कई जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा और वे एक बार फिर अपने पांव पर चल फिर सकेंगे। समझता हूँ ये एक अच्छा हमारा ये समाज के लोगों का एक चेतना है, जागृति है और मानवीय दृष्टिकोण है। और हमने तो कहा कि जब मानव से प्यार करेगा तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, यही तो दूर करेगा। आप देखिए ना, बिहार से आए हुए हैं, आज लोग जो हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं छोटे स्वार्थ को लेकर। लेकिन आप सोचिए ना, उनका जात जानते हैं ना, राज्य के बाहर के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको ये आशा विश्वास है और उनको ये मालूम है कि ये सुरभि शाखा और मारवाड़ी समाज अग्रसेन महाराज की संतान लोग इतनी सामाजिक दायित्व निभाती है, मानवीय दायित्व निभाती है कि उनके पास चलो हमारी समस्या दूर होगी। ये मारवाड़ी युवा मंच की जो सुरभि शाखा है, उन्होंने जो इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है कि लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाएं, जिनको पैर में पूरा नहीं आता उनको व्हील चेयर्स वॉकर्स, वो लोगों की सहायता के लिए है। उनको एक एक्चुअली पुनर्जन्म मिलता है जब वो मोबाइल रहेंगे, और ज़िंदगी में उनको एक आत्मनिर्भरता मिलती है, आत्मसम्मान मिलता है जब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है पर वो खुद मोबाइल रह सकते हैं। सो ये कार्यक्रम जो उन्होंने आयोजित इसका किया है और चौधरी परिवार ने उसको फंड किया है, ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर इनिशिएटिव किया है हमारे समाज के लेडीज़ ने। और मैं चाहती हूँ कि बाकी सब भी इससे इंस्पिरेशन लें, जो लोग सुनते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है, जाने कि हर कोई अपने स्तर पर कुछ कर सकता है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।